सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आज अनुच्छेद 370 पर सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला देते हुए जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने का जो फैसला था उसे बरकरार रखा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले साल सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए कदम उठाने चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी बहाल किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से लिए गए केंद्र के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय का आदेश से साबित हो गया कि आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला पूरी तरह से संवैधानिक था। मैं इसका स्वागत करता हूँ। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये गांधी के उस भारत की हार है जिसे पाकिस्तान को दरकिनार करके जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुना था। उन्होंने कहा, यहाँ के मुसलमानों ने जिस तरह से पाकिस्तान को दरकिनार करके यहाँ के पंजाबी, हिंदी, सिख, बौद्ध और गांधी के भारत के साथ हाथ मिलाया था, आज ये आइडिया ऑफ उस इंडिया की हार है। इस निर्णय पर विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने भी अपने बयान दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला मानो कृतज्ञ राष्ट्र के द्वारा अमर शहीद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को दी गई श्रद्धांजलि है। धारा 370 अनावश्यक थी। महाराजा हरि सिंह ने भारत में मिलने का जो एक्सेशन लेटर साइन किया था वो वैसे ही था जैसा बाकियों ने किया था। वह विलय पूर्ण था और अंतिम था। दुर्भाग्य से उस समय के राजनीतिक नेतृत्व ने अपनी नासमझी में एक अस्थाई 370 बना दी थी। भारत की संसद ने उस 370 का विलोप कर दिया, पर उसके बाद भी कुछ कुहासा छाया हुआ था। वह कुहासा आज के निर्णय से छट गया और इसलिए अब हम असंदिग्ध शब्दों में इस फैसले के भी आधार पर कह सकते हैं कि 1947-48 में जम्मू कश्मीर का जो भारत में विलय हुआ था वो पूर्ण था, वो अंतिम था और इसलिए अब उसमें कोई संदेह करने का कारण नहीं बचा। जम्मू और कश्मीर का केवल एक ही बचा हुआ काम है। देर